हिना, हिना क्या हो गया? कॉल करने लगी थी अम्मा को, क्या हुआ? हिना ज्वेलरी कहां पर? कौन सी ज्वेलरी? हिना ज्वेलरी के डब्बे गायब है यहां से, कहां पर है वो ज्वेलरी? कहा था ना मत रखे उस चोरनी को घर में वापस, दिखा दिया ना उसने अपना काम, हो गए ना बॉक्सेस गायब। बकवास बंद करो तुम अपनी और मुझे साफ साफ बताओ कि ज्वेलरी कहाँ रखी है तुमने। क्या आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी, मुझे कैसे पता होगा कहाँ है ज्वेलरी? और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे, मुझ पे शक कर रहे हैं? किस बुनियाद पे शक कर रहे हैं आप मुझ पे? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए थे। चलो आप पागल तो नहीं हो गए? हाथ छोड़े मेरा अलीबख्श। अरे मेरा हाथ छोड़े अलीबख्श। हाथ तो छोड़। जी जी साहब। वहां खराब हो गया। जी जी साहब। अलीबख्श उस दिन तुमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा सब बताओ। साहब वो डरो मत, इस घर का मालिक मैं हूँ, कोई और नहीं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं देखता हूँ तुम्हें कुछ कैसे कहता है। साहब उस दिन मैं किचन में काम कर रहा था तो मैंने बीबी जी को देखा कि वो क्वार्टर की तरफ जा रही है छुपकर। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए हो? बकवास बंद। आगे बताओ अलीबख्श। साहब जब मैं इनके पीछे गया तो मैंने क्वार्टर के पिछले हिस्से से देखा कि ये खालदा बीबी के बैग में जेवर छुपा रही है। बकवास बंद करो अपनी, तुम एक लफ्ज नहीं और निकालना तुम्हारी जान ले लूंगी। कितने पैसे खिलाए तुमने इसे बताओ? पैसे खिलाए होंगे ना तुमने, तभी झूठ बोल रहे। ऐसे ना आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये नौकर आपस में मिले होते हैं, इनकी दोस्तियां होती हैं, ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। हाँ सब झूठ बोल रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं। उस दिन रामीन भी झूठ बोल रही थी तुम्हारे बारे में। उसने क्या कह दिया? वही सब जो वो कह रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसे ये सब झूठ बोल रहे हैं आपसे, ये अलग करना चाहते हैं हम दोनों को, ये क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? साहब उनसे जो भी चाहे कसम ले लें, मैंने खुद अपने गुनहगार आंखों से देखा इनको जाते हुए। हिना इस दुनिया में सबके सब झूठे हैं सिवाय तुम्हारे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ज्वेलरी तुमने जहां भी रखी है वहां से वापस लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं करूंगा। 24 घंटे हैं ना तुम्हारे पास, ज्वेलरी या फिर जेल। कैसी बातें कर रहे हो? कौन कर रहा है बार बार? हेलो मंसूर बात कर रहा हूं। मैं बाद में बात करती हूं, मैं अभी बहुत बिजी हूं। तो हिना को आप कॉलेज के जमाने से जानते हैं, कोई सबूत है आपके पास? आप सबूत की बात कर रहे हैं? हिना और मेरा कॉलेज के जमाने से चौकस किस्म का अफेयर चल रहा था। लेकिन आप मुझे अगर माफी की जमानत दें तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, हर किस्म का सबूत मुहैया करूंगा मैं आपको। ठीक है बताओ। ये देख पूरा फोन उसके मैसेजेस और तस्वीरों से भरा पड़ा। अलीना की तस्वीरें एडिट करने और उसे ब्लैकमेल करने वाला भी मैं ही।
बल्कि आपको कॉल्स भी मैंने की थी। लेकिन तो ये सब क्यों किया तुमने? आखिर ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? पैसों के लिए। और मैं करता भी क्या, क्या क्या नहीं करवाया उस लड़की ने मुझसे। असल में वो समझती थी कि अलीना उसके शौहर से अफेयर चला रही, इसलिए उसने मुझे कहा था कि तुम उसे डराओ धमकाओ। पर मैंने तो ये काम सिर्फ सवाब की नीयत से कर दिया, कसम से। कितने हिना ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें इस काम के लिए? ये कोई 1.5-2 लाख रुपए। डेढ़ दो लाख? सिर्फ 1.5-2 लाख? बल्कि वो आपसे और शहजाद साहब से झूठ बोल बोल कर पैसे हथियाती थी। उसने मुझे खुद बताया कि वो अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर आप लोगों से पैसे लेते रही। तो ये सब तो मुझे अब क्यों बता रहे हो? मतलब अचानक से तुम्हें क्या ख्याल है मुझे ये सब बताने का? थक गया हूं बुरे काम कर करके। जब से हवालात की हवा लगी है सुधर गया हूं। अब दिल नहीं करता बुरे काम करने, कसम से। दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त में पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन मेरा जमीर मुझे गवारा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसलिए माफ करता हूं मैं तुम्हें। शुक्रिया। क्या बताऊं आपको सर, वो जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और ना ही सर पे रहने के लिए छत। अगर कुछ हो सके तो लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ तो बोले ना, क्या काम? देखो मैं अभी यहां से घर जा रहा हूं, आप ही जो होना था वो हो गया। मुझे भी इल्म नहीं था इसलिए मार खा गया मैं। शहजाद मेरे भी जहन से बिल्कुल निकल गया, मुझे वो कैमरा निकलवा देना चाहिए था। इट्स ऑल माय फॉल्ट। अब देखो ना, हिना ने तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया और अलीना पहला वजह तुमसे बदगुमान हो गई, सब मेरी गलती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आगे भी बस सब कुछ ठीक ही रहे। चले आप ही, मैं आपको कॉल करता हूँ फिर। चलो ठीक है, टॉक टू यू लेटर, खुदा हाफिज। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ज्वेलरी तुमने जहां भी रखी है वहां से वापस लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं करूंगा। 24 घंटे है ना तुम्हारे पास, ज्वेलरी या फिर जेल। उम्मीद है कि तुम अब तक ज्वेलरी ले आई होगी। ऐसा मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, आप क्यों नहीं यकीन करते मेरी बात का? बल्कि एक काम करें, आप बुला लें पुलिस को,
मैं तैयार हूं। पुलिस को तो मेरे ख्याल से मुझे अब बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे मैं आपकी बीवी हूं, क्या हो गया आपको? आप मुझे छोड़ के मुलाजमों पे और किसी दूसरे की बीवी पे भरोसा कर रहे हैं? वैसे तुम्हारा एक दोस्त भी बुलाया मैंने आज, मिलना चाहोगी उससे? कौन दोस्त? चलाओ तो मैं मिलाता हूँ उससे। आफ्टर यू। ऐसे क्या मजाक है ये? अरे चलो तो सही, आओ आओ ना। After you. खान आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। कौन है आप? एसम कौन है ये? तुम्हारा दोस्त, पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ एसम। अच्छा, मैं पहली दफा देख रही हूँ इन्हें। आपको कोई गलत फहमी हुई है? कौन है आप? मंसूर अपना फोन दिखाना जरा। तो तुम इसे नहीं जानते? इन तस्वीरों में कौन है फिर इसके साथ? मैंने कहा था ना आपसे, कभी भी नहीं मानेगी। ऐसे नहीं, झूठ बोल रहा है, साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। घटिया औरत, हर बंदा इस दुनिया में झूठ बोल रहा है सिवाय तुम्हारे। यहां मैंने तुम जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जरा मेरा यकीन करिए, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये खान का बीबी खान सामा सब मेरे खिलाफ क्यों ऐसी साजिशें कर रहे हैं। आप प्लीज मेरा भरोसा करें, सबकी बातों में माता है। तुम्हारा भरोसा करूं मैं? तुम्हारा? मंसूर, जो मुझे आज ऑफिस में बताने आए थे, जरा इसको बताओ। है ना, तुमने नहीं कहा था मुझसे कि मैं अलीना को डराऊं धमकाऊं ताकि तुम उसे अपना बदला ले सको? ऐसा नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रही हूं, ये झूठा आदमी है। क्यों किया तुमने हिना ऐसा? क्या तुमने से नहीं कहा कि अलीना को ब्लैकमेल करें ताकि मेरा और अलीना का रिलेशनशिप खराब हो सके? मैंने सब कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमने से नहीं कहा कि अलीना के कैरेक्टर को बद किरदार प्रूफ करें मेरे साथ? और इसके लिए तुम इसे बहुत ज्यादा पैसे दो, और वो पैसे तुम इसे मुझसे लेके दोगी? नहीं, वो तो शेर। चलो, इसी बहाने तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुमने पैसे दिए थे इसे, भले वो शहजाद के थे। ऐसे ना मेरी बात सुने, मेरी ना मैं आपकी
मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। आप इस शख्स से बोलने के जाए यहां से, मैं सारी हकीकत आपको खुद बताऊंगी। ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये भी एक फ्रॉड आदमी। जाओ तुम यहां से, जाओ, मैं आपको बताती हूँ। हिना, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। है ना तुम, अल्लाह खैर करे। सर वापस आ गए हो? क्या मतलब तलाक दे दिया ऐसे ने मुझे? जहां से गई थी वहां हमेशा के लिए वापस आ गई हूं। क्या तलाक? मगर क्यों? क्योंकि मेरे किस्मत में यही लिखा था अम्मी। बस कर जाओ, अब कोई सवाल मत करना मुझसे। मैं तुम्हें इसीलिए समझाती थी, इसीलिए समझाती थी कि सुधर जाओ, संभाल लो अपना घर। लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, अपनी मनमानी करती रही। तो अम्मा तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तलाक हो गई है मेरी, तलाक। लेकिन अभी भी तुम्हें मुझे सिर्फ बातें ही सुनानी है, मुझे कोसना है। बख्श तो मुझे आज के लिए, बख्श तो खुदा का वास्ता है। कोस नहीं रही, ताने भी नहीं दे रही। बता रही हूं तुम्हें कि तुमने क्या क्या किया है अपने साथ और फिर मेरे साथ। तलाक हुई है तुम्हें, और दूसरी बात, और कह रही हूं बस तलाक हो गई, ऐसा ने तलाक दे दी। ये लड़की क्या करेगी? मेरी मट्टी पलीत कर दी। बकायदा पैसे देकर उसने लीना को ब्लैकमेल करवाया था, और हम हिना को सच्चा समझ रहे थे। कितनी चालबाज औरत निकली ना वो। और वो जो पिक्चर्स थी वो भी एडिट करवाई थी हिना ने, ताकि अलीना को मेरी नजरों में गिरा सके बस। और मैंने तो कितना बुरा भला कहा अलीना को, कितना रो रही थी वो, कह रही थी कि मुझे सफाई का मौका दो, और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और पता है, इस चक्कर में मैंने अपना हीरे जैसा दोस्त खो दिया। कॉलेज के जमाने से दोस्त था मेरा वो, भाइयों से बढ़कर ताल्लुक था मेरा उससे। इस हिना ने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और अलीना, दो बार मैंने उसका दिल दुखाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे। कितनी शातिर निकली ना हिना, हम सबको बेवकूफ बनाती रही। और तुम्हें पता है अरसला, मेरे से लाखों रुपए लेती रही है झूठ बोल बोल कर वो शादी से पहले, और शादी के बाद भी मेरे कबर्ड से ज्वेलरी, जेवर, पता नहीं कितने पैसे चुराती रही है वो। अलीना ने मुझे बहुत बार कहा था कि आप इस हिना को हमारे रिश्ते से दूर रखें, वरना ये हमारे रिश्ते को बर्बाद करके रख देगी, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी उसकी। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है कि मैंने कैसे अपनी इतनी करीबी दोस्त को अकेला छोड़ दिया। मुझे कुछ तो सोचना चाहिए था। मैं तो वही देखती रही जो हिना मुझे दिखाती रही। मेरी अपनी अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई थी। पता, अगर मैं
उस वक्त भी उन पिक्चर्स को गौर से देखता तो मुझे फौरन पता चल जाता कि वो पिक्चर्स फेक हैं, एडिटेड हैं। इनफैक्ट अभी भी है। अगर मैं सोचूं, और कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि अलीना के फेशियल एक्सप्रेशंस उन पिक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। पता नहीं मैंने क्यों उस वक्त किसी एक्सपर्ट से चेक नहीं करवाया। उसने कितनी आसानी से हम सबको बेवकूफ बनाया और हम आंखें होते हुए भी अंधे बनते रहे। पता नहीं अरसला, मैं तो इतना अंधा हो गया था कि मैं उस झूठी औरत के अलावा किसी बात पर यकीन ही नहीं करता था। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे उसने मेरे साथ जो मुझे आज तक पता ही नहीं चले। ये तो शुक्र है कि अभी भी वक्त पर उसका पता चल गया, वरना पता नहीं जिंदगी में मुझे आगे वो कितना नुकसान पहुंचाती। अभी भी उसने कुछ कम नहीं किया एहसन। मैं तो सोचती हूँ कि अलीना से माफी मांग लूं, पर समझ ही नहीं आ रहा किस मुंह से मांगूं। खैर चलो, तुम अपना ख्याल रखना, बात होती है फिर तुमसे। कहाँ जा रही हो तुम? इद्दत में हो, तुम्हें कोई ख्याल भी है? यार अम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इद्दत का। ये जो ज्वेलरी है ना, मैंने लॉकर में रखवा दू उससे पहले कि इससे पहले कि ऐसा आ जाए तुम इस ज्वेलरी को गायब कर दोगी, है ना? तुम इना बैग दो मुझे। मैं क्यों दू? इसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा हक है। अरे जिस चीज पे तुम्हारा हक नहीं है वो तुम इन्हें वापस दो ना। अम्मा क्यों नहीं है मेरा हक? ये ज्वेलरी मेरे हक मेहर की है। हिना, इसमें जो तुम्हारे हक मेहर की ज्वेलरी है वो तुम रख लो और बाकी बैग मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? हिना, मैं पुलिस को साथ लेकर आया हूं और मेरे एक इशारे पर वो तुमसे बैग भी ले लेगी और तुम्हें बड़े आराम से साथ भी लेकर जाएगी, इसलिए शराफत से ये बैग दे दो मुझे तुम। नहीं बेटा, देखा आज तुम्हारी वजह से इस घर में पुलिस आ गई है। मैं नहीं दूंगी। ना ये बैग मुझे दो। अम्मा मैंने नहीं देना। हिना, मैं आपको बता रही हूँ मेरी हक महल की चूंकी नहीं है ना। ये बैग नहीं, ना ये बैग मुझे दे। हिना छोड़ दो, हिना छोड़ दो ये बैग। तो ऐसे ना आप ज्यादती कर रहे हैं, आप नहीं लेके जा सकते मेरा बैग। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। नूरी बात सुनो। हसन की कॉल। हेलो। हेलो अलीना। अलीना देखो, मेरी बात सुने बगैर कॉल मत काटना प्लीज। ऐसी क्या बात है अलीना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें तुमसे कैसे बात करूँ, तुम्हें क्या कहूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी अलीना। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है तुमसे माजरत करने के लिए। किस बात की माजरत? और वैसे भी हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहेगा जिसमें माजरत या शुक्रिया की कोई जरूरत हो। अलीना, जो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। वो ये सब कुछ हिना के कहने पर कर रहा था और वो जो तस्वीरें एडिट की गई थी वो भी हिना के कहने पर ही की थी उसने। हो जनाब, को अब सब सच पता चल चुका है। खैर, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बिला वजह जहमत की मुझे कॉल करने की, क्योंकि मैं जिंदगी में इतना आगे निकल चुकी हूँ ऐसे कि मुझे पलट कर देखना भी नहीं किसने मेरा कितना नुकसान किया और कितना नुकसान नहीं किया। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है अलीना। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो पता है ऐसे एक लड़की की शादी के कार्ड बढ़ जाए और उसकी शादी टूट जाए,
उसके बाद उस लड़की के घर वाले, उसका पूरा खानदान जो जिल्लत बर्दाश्त करता है ना, मैं कहती हूँ कि खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। हो सके तो मुझे माफ कर देना अलीना। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में अब शहजाद है और उनका आने के लिए मेरी जिंदगी में आपका मेरी जिंदगी से जाना बहुत जरूरी था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम और शहजाद एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। अफसोस पता किस बात का? उस कीचड़ का जो मेरी जात पे उछाला गया। क्या औरत की जात इतनी हकीर होती है कि जब जिसकी मर्जी हो उस पे कीचड़ उछाल दे, उस पे दाग लगा दे और वो औरत बेचारी पूरी जिंदगी से उस दाग को मिटाने में लगी रहे? हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने कहा ना ऐसे, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा हम सफर अब शहजाद है, मेरे खुदा ने उसे मेरे लिए चुना जिसे मेरे किरदार की किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे कॉल ना करना। खुदा हाफिज़। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजया भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। कौन सी बेटी? बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने सिवाय इसके कि उसकी रगों में तुम्हारा खून है? मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूँ। इसके नन्हे जहन को उलझनों में मत घुमाओ मंसूर, प्लीज उससे दूर रहो। दूर सही सही, लेकिन प्लीज एक बार मुझे उसे देख लेने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं आइंदा फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है चलो मेरे साथ, वो गाड़ी में बैठ और हाँ सिर्फ दूर से देखो और याद रखो अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो गार्ड को एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें शूट करने में। चलो मैंने तुम्हें मना किया है कि मेरे बैग को मत छेड़ा करो, इधर उधर हो जाती हैं चीजें, सुनती नहीं हो पता नहीं क्या। ये
ये क्या है? इन तस्वीरों का क्या मकसद? तस्वीरें हैं मेरी, खूबसूरत हूं, जवान हूं, पढ़ी लिखी भी हूं, तो शादियों ने मेरा क्या बिगाड़ है? अभी भी कोई देखे ना तो देखता ही रह जाता है। मैं आपको बस कह दूं, आप ये तस्वीरें ना दिखा दीजिएगा उन्हें, और बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उतनी पसंद आ जाऊंगी उन्हें। दिन कैसा रहा ऑफिस में? ठीक था। ऐसा ना आया था आज ऑफिस, उसे हकीकत पता चल गई है, माजरत कर रहा था, बहुत शर्मिंदा है वो। अच्छा सही। उसने हिना को तलाक दे दी है। क्या कह सकते हैं? तुम्हें सुनकर कोई हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ये सब जानती हूं मैं। तुम्हें पता था, पर मुझे तो तुमने कुछ नहीं बताया। क्योंकि शहजाद, अब ना मेरे पास्ट का ताल्लुक मेरे प्रेजेंट से नहीं है। सच बताओ तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, और शायद मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। शायद मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं खुश हूं क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। अब कोई नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई आए। हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा।